नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम आ गए हैं कि स्टार्टर विजिट करने। समस्या इसमें यह है कि देख पा रहे हैं आप, हम स्टार्टर को जब ऑन कर, सबसे पहले वोल्टेज देखिए, वोल्टेज पूरी तरह से आ रहा है 220। स्टार्टर को हम चालू भी कर रहे हैं, चालू भी हो रहा है लेकिन एम्पियर नहीं ले रहा है, तो अभी इसमें क्या समस्या हो सकता है दोस्तों? अभी हम आपको एकदम विजिट करके दिखाते हैं। आपको इस तरह से खोल लेना है, स्टार्टर तो हमारा चालू ही हो रहा है। अभी इसमें दोस्तों हम सबसे पहले इन तीनों वायर को निकाल लेंगे। देख पा रहे हैं आप, RYB को चेक करते हैं दोस्तों। देख पा रहे हैं हमने खोल दिया है, तो खोल लेने के बाद आपके समक्ष इस तरह से वायर आ जाते हैं। अभी हम इस तरह से रख लेते हैं, क्वांटिटी को चेक करते हैं। देख पा रहे हैं आप, क्वांटिटी बता रहा है तीनों दोस्तों। अभी इसमें समस्या कहाँ आ रहा है मैं आपको बता दूँ, मुझे तो लग रहा है स्टार्टर में ही समस्या है। समस्या यह है दोस्तों, देखिए चालू तो हो रहा है किंतु मुझे लग रहा है दोस्तों कॉन्टैक्टर से आउटपुट नहीं हो रहा है सप्लाई। वैसे हम चेक करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं आप इस तरह से आपको घिस लेना है, साफ कर लेना है। और ये भी देख रहे हैं, मुझे तो इसमें समस्या समझ में आ रही है पत्ती में भी। चलिए एक बार लगा के चेक कर ही लेते हैं आता है कि नहीं। इस तरह से आपको साफ करके बैठा लेना है पुनः। अब इसके बाद इसका स्प्रिंग देख पा रहे हैं, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस घाट पे इस तरह से आपको लगा देना होता है। अब लगाने के बाद दोस्तों आप दोनों को चेक करें, इस तरह से कवर को भी लगा देना है। देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद कनेक्शन भी RYB के हिसाब से कर दिया है, और भी आप देख पा रहे हैं चल भी रहा है हमारा मोटर। हम पुनः बंद करते हैं, पुनः चलाएंगे, देख पा रहे हैं आप चल रहा है हमारा मोटर। इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रहा हमारा बम्बर।